उस टाइम आपको जवान रैम्बो कहते थे, तो अब आपको बूढ़ा रैम्बो कहता है कौन? कहता है बूढ़ा रैम्बो, मैं उसकी लतें तोड़ दूंगा आपको ना। शुरू में तो वो रैम्बो रैम्बो कहकर लोग आपको छेड़ते होते थे। छेड़ते नहीं थे, मुझे बुलाते थे। अब आपको लोग डोंकी डोंकी कहकर बुलाते हैं, बच्चे बुलाते हैं डोंकी किंग। आपको पता है आपकी ना कॉकरोचों की कम्युनिटी में आपकी बहुत दहशत थी उस टाइम तो। हाँ, अभी भी है। मैंने बहुत सारे कॉकरोच तकरीबन 1,00,000 के करीब मारे थे, एक बच गया था। हाँ, वो आज मेरा इंटरव्यू ले रहा है। हाँ, रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो कॉकरोच की बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम वो वाला शो ऑन MYK न्यूज़ TV। आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद है, बहुत ही फेमस एक्टर, कॉमेडियन और होस्ट हैं। वैसे तो इनका नाम अफजल खान है, मगर इनको आप ना रैम्बो के नाम से, जॉन रैम्बो के नाम से, कॉकरोच किलर के नाम से मशहूर हैं, और ये डोंकी राजा के नाम से भी मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कि बीमार लग रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, आपको ना जॉन रैम्बो का, उस टाइम आपको जवान रैम्बो कहते थे, तो अब आपको बूढ़ा रैम्बो कहता है कौन? कहता है बूढ़ा रैम्बो, मैं उसकी लतें तोड़ दूंगा। तो अभी आप बूढ़े नहीं हुए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नाल दौड़ के देख लो। अच्छा, आपकी एज में मेरा ख्याल है कुछ 60 के करीब तो होगी। नहीं नहीं, 97। ठीक है, वो कितना होता है इंग्लिश में बताना? 97। 97, ठीक है, यानी 100 नहीं हुए अभी? नहीं, 100 नहीं हुए। 100 हो गए? मैंने सुने 100 होने के बाद बंदा सांप बन जाता है। नहीं, मैं शेख नहीं बनूंगा, कासिम नहीं बन सकता मैं। ठीक है, कोई एक ही है। वो इन्हें जब सांप 100 साल का होकर इंसान बन सकता है, तो इंसान 100 साल का होकर सांप नहीं बन सकता? वो कासिम की हिम्मत है, वही बना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें, पता नहीं कौन सा कासिम के पास। अच्छा, किसी हाथी के सामने नहीं जाना ये शर्ट पहन के? हाथी को केले बड़े पसंद है। नहीं, मैं बंदर के सामने एक शर्ट पहन कर जाता हूँ। अच्छा, हाँ, कब गए थे? हाँ, ये अभी बस ये गया हूँ अभी, 2-3 मिनट पहले। हाँ, हाँ, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, एक ना आपको ना शुरू में तो रैम्बो रैम्बो कहकर लोग आपको छेड़ते होते थे। छेड़ते क्यों थे? ले, छेड़ते थे, मैं पागल हूँ? मैं गली में से जा रहा हूँ, मुझे पागल पागल कह के हो रैम्बो रैम्बो रैम्बो। अच्छा, मेरा नाम है, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है उस नाम से। छेड़ते नहीं थे, मुझे बुलाते थे। ठीक है, और बुलाते हैं। ओके, फिर कुछ लोग आपको उसके बाद अफजल खान किसी ने बुलाया आपको या आपको भूल गए? अफजल खान मुझे मेरे घर वाले बुलाते हैं, और कोई भी नहीं? नहीं नहीं, मेरा जो नाम है शोबिज का नाम है वो जॉन रैम्बो है। ठीक है, तो अब आपको लोग डोंकी डोंकी कहकर बुलाते हैं? बच्चे बुलाते हैं, डोंकी किंग, डोंकी राजा। अच्छा, डोंकी राजा, नहीं डोंकी राजा। ठीक है, कोई आपको डोंकी डोंकी नहीं कहता? नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कभी आपका दिल करता है कि आप ना सिल्वेस्टर स्टैलोन की जगह हॉलीवुड में रैम्बो होते असली वाले? नहीं, कभी भी नहीं करता। कभी इतना ही बड़ा है? नहीं नहीं नहीं, लोग मुझे मेरी शक्ल मिलती थी, मुझे उनका नाम मिला, काम मिला, और बस आगे चल सो चल। आपको पता है एक फिल्म थी, ठीक है, वो हम दोनों एक ही फिल्म में थे, आपको पता है उस फिल्म का? हम दोनों एक ही फिल्म? यस। नहीं, मुझे नहीं याद। एक है फिल्म, उसके अंदर मैं भी था, वो मेरी डेब्यू फिल्म थी। वो कौन सी थी? वो फिल्म ऐसी थी, फिल्म मैं आपको ना हिट, ये तो शायद आपको याद है, उस फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया, 2 दफ़ा फ्लॉप होने का रिकॉर्ड बनाया। 2 दफ़ा फ्लॉप हुई? यस, कैसे, आम फिल्म में 1 दफ़ा फ्लॉप होती ना, वो दो दफ़ा रिलीज होकर फ्लॉप हुई। वो डेब्यू की वजह से हुई थी ना, जिसका डेब्यू था लोगों ने कहा ये किसको ले लिया। वो जैकपॉट फिल्म, जैकपॉट, याद है आपको? अच्छा, ये अभी, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार, नहीं नहीं, वो जैकपॉट में आप भी थे। हाँ हाँ, मैंने एक गेस्ट रोल किया था, एक सीन किया था। मैंने भी एक दो ही सीन किए थे, एक ही किए थे। हाँ हाँ हाँ, मगर वो ना फिल्म, तो दो दफ़ा फ्लॉप कैसे हुई है? एक ही दफ़ा होती है फ्लॉप? नहीं नहीं, वो फिल्म पहले उन्होंने रिलीज़ की, ठीक है, वो फिल्म फ्लॉप हो गई, उन्होंने कहा ये फिल्म ना संजू की वजह से फ्लॉप हुई है, तो उन्होंने फिर 1 साल बाद वो फिल्म दोबारा रिलीज़ की, जैकपॉट, तो दोबारा फ्लॉप हो गई थी। फिर किसी ने नहीं देखी? नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, होता है, तो वो जरूरी नहीं है सारी फिल्में हिट हो। मैं उन्हें कहता था एक बार फिर रिलीज करके देख लें, कोई ऐसा मसला नहीं, शायद हिट हो। अच्छी बात है, शायद। हाँ हाँ, या मैं उन्हें कहता हूँ जी कासिम का शॉट निकाल के चलाएं, शायद चल जाए। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, मुझे बताया कि ना पहले आप सफाई वाले थे तब आप एक्टर बने, या फिर पहले एक्टर थे फिर सफाई वाले बने? सफाई निसफ ईमान है, और मैंने अपनी माँ के साथ घर के सारे काम किए हुए हैं, झाड़ू तपड़ी भी की हुई है। ठीक है, बाकी घरों का क्यों नहीं करते? मैं अपने घर का कर लेता था, ये बड़ी बात थी जी, बाकी घरों के नहीं मैं करता था।
छोड़ दिया था आपने? नहीं मैंने किया ही नहीं, छोड़ क्यों दिया? आपको पता है आपकी ना कॉकरोचों की कम्युनिटी में आपकी बहुत दहशत थी उस टाइम तो? हाँ, अभी भी है? मैंने बहुत सारे कॉकरोच तकरीबन 100,000 के करीब मारे थे, एक बच गया था। हाँ, वो आज मेरा इंटरव्यू ले रहा है। मैंने सुना जो कॉकरोच होते हैं वो एटम बम से भी बच जाते हैं, बात ठीक है? ये आपको पता होगा, आप बच गए थे मुझसे, है ना? हाँ, तो वो ना अभी भी खौफ है उनमें आपका, क्या पे खत्म हो गया? नहीं नहीं, खौफ तो होता है, अभी भी है। माई नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, कॉकरोच किलर। हाँ, तो अभी भी है, अभी मेरे घर में कॉकरोच नहीं होते, मुझे देख के छुप जाते हैं, ओए आ गया जी रैम्बो। अच्छा, वही मैंने आपकी भी ना तस्वीर जो है ना वो मैंने किचन में लगाई हुई है, तो उधर कॉकरोच नहीं आते, नहीं आते। और आपके घर में वाइपर भी होगा जिस पे रैम्बो लिखा हुआ है? Yes. और असली रैम्बो को उन्होंने वाइपर पहना दी है, पिक्चर भी वो बन गई। मेरी नहीं बना सकते कि मैं पैसे ना मांग लूँ, चार पैसे मुझे ना आ जाए। वैसे ना आमतौर पर देखा जाता है सेलिब्रिटी मैरिजेज इतनी चलती नहीं है, तो आपके इतना अरसा कैसे चल गई है? अभी भी चल रही है कि? तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, क्यों बचा, ये क्यों पूछा है कि ऐसा कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा? सर उस टाइम पे मुझे अच्छी तरह याद है, लोग कहते होते थे यार ये बस दो चार महीने दी गई, दो चार साल, नहीं दो चार साल, महीनों की भी मैंने सुना। हाँ हाँ, तो इतने साल कैसे चल गई, क्या है वजह, क्या है कोई, आप इतने अच्छे थे या फिर क्या? क्या मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बीवी घर बसाती है, बीवी चलाती है और बीवी ही उजाड़ती है। ओके ठीक है, कुछ लोग आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अब रन मुरीद है, लोग क्यों कहते हैं ऐसे? वो करो करिए ये साहब है, जिसको देख लें, कुछ कहते हैं मानते हैं, कुछ नहीं मानते। मैं मानता हूँ, मैं अपनी माँ के साथ काम कराता था, मैं घर में बेगम के साथ भी काम करवाता हूँ। हाँ। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। बेगम का काम करते हैं ना? हाँ जी, मैं घर के बेगम के काम, जो बेगम के काम है, देखो वो लाके कपड़े रख देती है, मैं धो देता हूँ, वो बर्तन उठा के रख देती है, मैं धो देता हूँ, दोनों मिलके करते हैं ना, तो इसी तरह घर चलता है। नाइस नाइस, आप तो बहुत अच्छी हैं। वो बच्चों को कहती हैं जी मैंने तैयार करवाना है, मैं कहता हूँ मैं कर देता हूँ, वो कहती हैं अच्छा चले मैं छोड़ के आती हूँ स्कूल, मैं छोड़ आता हूँ, मिलजुल के करते हैं ना। मुझे पता है इतने अच्छे आप हैं, आपको कोई और दूसरी शादी के कभी ऑफर नहीं है? नहीं नहीं, किसी बंदी ने नहीं आपको पसंद किया? और रहने दो ये बातें, किसी और का दिमाग खराब हुआ, रहने दो, ऐसा कुछ ऐसा, मतलब मेरी बेगम का दिमाग खराब है? नहीं 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 नहीं, और अरे ये कहने का मतलब है? उस टाइम पे होगा ना, उसके सामने आई ना उसका गुस्सा, कासिम तुम्हें पता है मेरा हाल है, मुलाकात हुई है। हाँ हाँ, गुस्सा उसका एक दफा आता है किसी बात पे। ये जो आपकी फिल्म डोंकी डोंकी किंग थी, ठीक है, तो मुझे बताएं आपने कैसे ओके कर दिया, अगले ने आपको बताया कि यार आपकी आवाज़ चाहिए खोते के लिए, तो आपको लगा कि यार मैं ही खोता? नहीं कहा उन्होंने, गधा 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 नहीं, डोंकी के लिए चाहिए, डोंकी के लिए चाहिए, तो आपको क्या लगा कि आप खोते में, गधे में और डोंकी में कितना फर्क है? अच्छा लगता है डोंकी, इंग्लिश खोता बोलो तो बंदा गंदा होला है। हाँ हाँ, जैसे इंग्लिश में हम ऑन एयर भी शिट कह देते हैं, उर्दू पंजाबी में नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। हाँ तो मुझे बताया जब अगले बंदे ने आपको बताया कि आपकी आवाज़ ना डोंकी के लिए चाहिए, तो आपको कैसे लगा कि यार मैं ही इसके लिए बनाऊं, या आपने नो कर दिया? मैंने अजीज़ जिंदानी साहब हैं, ये उनका करेक्टर कंसीव किया हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं जी कि ये बनाई गई है सियासतदानों के लिए, उस वक्त नहीं, तब तक इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन से 2 साल पहले ये कहानी लिखी गई, और वो अजीज़ भाई जो हैं दुबई से काम छोड़ के ये फिल्म बनाने आए, 6 महीने वो मुझे कहते रहे कि भाई आप नहीं करेंगे तो मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा, तो मैंने कहा मैं क्यों करूं, तो मुझे लगा कि यार मैं अब मतलब कार्टून की आवाज़ निकालूंगा। जब मैंने अपने बच्चों से और बेगम से ज़िक्र किया तो उन्होंने मुझे, बच्चों ने इंग्लिश एक्टर्स की दिखाई, देखे इन्होंने 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 कार्टून के लिए अपनी वॉइस ओवर दी है, इंडियन एक्टर्स के बारे में बताया, तो मैंने कहा अच्छा यार ये तो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं हमें नखरे कर रहा हूँ, तो मैंने हामी भर ली और हमने वो फिल्म शूट की। इलेक्शन से पहले उस फिल्म को लगाना था, वो लेट हो गई, उसका मकसद ये था कि बच्चों के थ्रू सबको बताया जाए, स्पेशली बच्चों को, कि आपके वोट की क्या अहमियत है, आपको वोट डालना चाहिए, जब ये बड़े हों तो इनको पता होना चाहिए, क्योंकि लोग वोट नहीं डालते। तो इतनी देर में ये लेट हुई, इलेक्शन हो चुके थे, पीटीआई ऊपर आ गई, हमारी फिल्म लगी, और पता नहीं सियासतदानों ने क्या रंग दे के उसको पीटीआई के ख़िलाफ़ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो ज़बरदस्त। अच्छा, वो तो शेख रशीद साहब ने देखी, उन्होंने कहा वेरी गुड भाई, आपको
पता है इस फिल्म ने टोटल ना ओवरऑल कमाया है कुत्तो ही वर्ल्ड वाइड तकरीबन 40 से 50 करोड़ कमा लिया। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। अब 20 मुल्कों में वो लग चुकी है, 21वां मुल्क उसका चाइना है। 20 मुल्कों में वो लग चुकी है, क्योंकि हर मुल्क में जब लगती थी तो मेरा वॉइस ओवर जाता था कि अब मेरी फिल्म जर्मनी में लग रही है, फ्रांस में लग रही है, बच्चों ये आपकी मोहब्बत है, आप देखें आपके डोंकी किंग को अब जर्मनी वाले देखेंगे। तो 20 पहले मैंने शॉर्ट आउट दिए थे उसके लिए वॉइस ओवर के, मेरी ये 21वां था और इसने तो माशाल्लाह कमाल कर दिया, 20 मुल्कों को बुला दिया इसने। तो मुझे मतलब इतने ऐसे तो नहीं पाक चीन दोस्ती जिंदा, इतने करोड़ों में से आपको कितने करोड़ मिले? नहीं, मुझे जो मेरे साथ तय हुआ था वो मुझे मिल गया। तो आप एक एक वो शाउट आउट के नहीं पैसे चार्ज कर रहे हैं? नहीं, वो मुझे अजीज़ भाई से बड़ी अच्छी हमारी है, वो उनकी मोहब्बत है, वो कभी पैसे डाल देते हैं खुद ही मुझे कहे बगैर, तो कोई मसला नहीं है। जियो और अजीज़ जिंदानी तो, दोनों की फिल्म है। तो ये देखे ना 21 फिल्मों में रिलीज होगी, 21 मुल्कों में होगी रिलीज, सिर्फ जब चांद पे रिलीज होना, बाकी चांद पे कब जाएंगे? चांद पे जिस दिन आप जाएंगे हम पीछे लेके फिल्म आ जाएंगे। सिंपल मुझे बताएं अजीज साहब, अब पूरी अपनी बाकी जिंदगी भी ये रिलीज करते रहेंगे? ये पार्ट टू भी आएगा? पार्ट टू भी आएगा, पार्ट टू के लिए बात हो चुकी है, पहले भी हुई थी, अब तो वो कह रहे हैं जी मैं अच्छा इसके बीच में हमने इसकी सीरीज करनी थी मंगू के कारनामे, उसके 10 स्क्रिप्ट लिखे भी जा चुके हैं जियो के ऊपर, 20-25 मिनट के हमने वो बताने थे, और वो यही था कि बच्चों को सिखाना है कि लाइन कैसे बनती है, किसी ऑफिस में जाएं तो काम कैसे होता है, वो कॉमेडी वे में बच्चों की एजुकेट किया जाना था, और वो लिखे हुए, वो भी हम करेंगे मंगू के कारनामे। कब करेंगे? और इसका पार्ट टू भी आएगा। कब? बस रेडी है इंशाल्लाह। अजीज साहब फ्री नहीं हो रहे ना? आप उनसे कहें अजीज साहब फ्री नहीं है, कहें अजीज साहब प्लीज अगर आप कि ये फिल्म जो पार्ट वन है वो अगर आपने रिलीज़ हर जगह कर दी है, ठीक है, तो प्लीज़ अब पार्ट टू की तरफ आ जाए, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, मेरे बच्चे तक वेट कर रहे हैं उसका। अब हाँ। एक मुझे समझ नहीं आती हाँ। उसमें तो मैं हूँ ही नहीं, बच्चे मुझे कैसे जानते हैं? एग्जैक्टली ये जी, मुझे ये कैसा अल्लाह का करम है? हो सकता है आपकी शक्ल भी थोड़ी थोड़ी उस तरह की मिलना शुरू हो गई है। किसी भी बंदे से पूछोगे कितनी मिलती है वो आपको बता देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी नीनी ना मिलती है। आमतौर पे बाहर के जो कार्टून होते हैं, ठीक है, जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उसके ना बंदे से थोड़ी सी शक्ल अच्छा, मिलाते हैं। कार्टून का बड़ा जिक्र हो रहा है, ये कार्टून और ये कार्टून। जी जी जी, इसलिए यस 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 हाँ, आप भी कार्टून मैं भी कार्टून बनेगा, बस आप गधे हैं मैं इंसान। एक्टर होता ही कार्टून है। नहीं, मैं जान रैम्बो भी हूँ। यस यस यस, मैं डोंकी किंग, सिर्फ डोंकी किंग नहीं, पहले मैं जान रैम्बो। वही वही वही, ये देखे ना, ये देखे, ये एक बचपन में, ये सर ये 1991 की 30 साल पहले की तस्वीर है, ठीक है, 30 साल पहले ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है। कौन है? ठीक है, झूठ नहीं बोलो, ये मैं हूँ। नहीं, दरमियान में आप है, वो तो मैं हूँ, ये कौन है? लेफ्ट साइड पे मैं हूँ। नहीं नहीं, राइट साइड पे ये आपके बच्चे, मेरा भाई है, ये आपके बच्चे हैं। नहीं 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 नहीं, ये हम हैं 30 साल पहले के, 30 साल पहले रैम्बो के हम बहुत बड़े फैन थे, ठीक है। मैं 4 दिन आपके घर के बाहर आपका वेट करता रहा था, ठीक है, 4 दिन बाद आप जाके मिले थे। मेरा गेट तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आपका नहीं है, आपके गेट के सामने वाला गेट है, ठीक है। हाँ हाँ, याद आया। फिर अब ये टूट चुकी है ना, अब यहाँ सारे दुकानें शुकानें बन गई है, मेन रोड पे घर है। यस 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 यस, ये आप थे और वो भाई है। यस yes. अच्छा, ये देखें हाँ, उस जमाने में, ठीक है, हम दो, और अब भी, ठीक है, 30 साल बाद मेरे बच्चे आपके फैंस हैं। अब आपके बच्चे फैन है? ये आपके बच्चे नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये मैं, ये आप हो, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ठीक है। अच्छा, ये मैं इतना लंबा हूँ, आप इतने इतने हो, मैं वैसे का वैसा हूँ, आपको क्या तकलीफ हुई है, हालत क्यों बिगड़ी हुई है? नहीं नहीं, वो तो टाइम बड़ा गुजर गया ना। कितना टाइम मेरे ऊपर नहीं गुजरा, मैं मतलब बीच में से टाइम खा गया हूँ। वैसे क्या हुआ है, आपने मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही ऑपरेशन कराया होगा, बेड़े गर्क होए पे ऑपरेशन कराया होगा आपने? ऑपरेशन क्या मतलब, किस चीज का ऑपरेशन कराया? उस टाइम पे 25-30 साल के, ठीक है, इस टाइम 30 साल गुजर गए हैं, तो आपकी उम्र 55 से 60 के करीब अच्छा, होनी चाहिए। ये जो शक्ल है ये 30 साल वाली लगती है? चले 25 कर लो। ये 25 वाली लगती है? चले 20 कर लो। 21 साल का था मैं। अच्छा, 21 साल के थे, ठीक है, 21 और 30 50 साल के हो गए। हाँ जी, हुई हुई हुई। लेकिन मुझे कहते सारे 42 का है। अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र नहीं है? आईडी कार्ड पिछले पीछे कराया होगा? नहीं, आईडी कार्ड पे मेरी रियल है।
मैं पीछे पीछे नहीं कराता, झूठ नहीं बोलता, लेकिन लोग मुझे 42 43 का कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू यार, लव यू। हाँ नहीं सबको पता नहीं कौन लोग हैं। अच्छा ये देख, ये कौन है? ये मेरा ही बेटा है, 3 साल पहले जब आपकी फिल्म आई थी ना, ठीक अच्छा। है तब वो इसने ना गाना गाया था। खोता खोता बच्चों को खोते का पता ही नहीं था, उसके बाद खोते का पता चला। मुझे पेरेंट्स मिले, वो कहते हैं मैं गाड़ी चला रहा हूँ यार, तो एकदम गधा देख लिया उन्होंने, ये उसके आगे जुता हुआ, तो बाबा रोको गाड़ी, डोंकी किंग से मिलना है, डोंकी किंग से मिलना है। सर इधर लाहौर में जितने भी डोंकी है, ठीक है, आपकी फिल्म के बाद, ठीक है, उन्हें डोंकी राजा कहते हैं, और उसके बाद उनको इज्जत से बुलाना शुरू हो गए सर, उन्हें इतनी इज्जत मिल गई कि लाहौरियों ने खाना भी शुरू कर दिया। नहीं वो पुरानी बात है, खाना छोड़ दिया था। अरे खाना छोड़ दिया था कि यार ये तो बड़ी प्यारी चीज़ है, अच्छा। ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़े काम करता है, और बड़े काम इससे लिए जा सकते हैं, उन्होंने खाना छोड़ दिया था। ठीक है ठीक। और सियासत में तो नहीं आया था ना कोई? नहीं नहीं सियासत में कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, नहीं नहीं पक्की बात है। नहीं अच्छा मुझे बताएं कि ना ये जो है, अच्छा आप थे जॉन रैम्बो के फैन और आपके बच्चे हैं डोंकी किंग के। यस यस यस। तो मुझे बताएं मेरे बच्चों के जो बच्चे होंगे, दो जनरेशन, हाँ मेरे बच्चों के बच्चे होंगे, वो कोई ऐसा काम आएगा? वो इंशाल्लाह आएगा आगे, और बड़ा आएगा, वो डोंकी किंग 5 देख रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है। तब भी आप खोते ही रहेंगे, कुछ और नहीं करेंगे? नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, जहाँ से इज्जत मिले उसे मानना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं अब मैं डोंकी ना होता, ये बच्चा आपका गाना गा रहा होता, आपने मुझे यहाँ बिठाया होता। नहीं 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 ऐसे ही है, ऐसे ही। वैसे इसके अलावा भी आपने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। बेतहाशा। हाँ हाँ इतनी फिल्में की हैं। हाँ वो ये तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, जैकपॉट फिल्म की है यार, तो हिट फिल्मों के नाम नहीं ले रहे जैकपॉट। और उसमें मैं हीरो नहीं था भाई, मैं गेस्ट था, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं था ना उसमें, इसलिए अच्छा, इसलिए आप चोर मचाए शोर का नाम लो, मुंडा बिगड़ा जाए, हाथी मेरे साथी, हम तो चले ससुराल, मामला गड़बड़, खुदा जाने। चले एक पिक्चर सेगमेंट है, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, ठीक है, आपने ना उनके बारे में हमें कुछ बताना है, ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छे हुआ करते थे, बड़े ज़हीन, अपने काम के मास्टर, अब पता नहीं ना क्या हो गया। क्या हो गया पता नहीं सर, मेरे ख्याल में तीसरी शादी हुई है तब मसला है शायद, है ना, इसलिए मैंने एक ही रखी हुई है शादी, है ना, वरना बंदा ऐसा हो जाता है इनके बारे में। सॉरी ये कौन है? हरीम शाह। मैंने नाम सुना, सही तरह जानता नहीं हूँ। जानते ना, अच्छी बात है। हाँ। जानते नहीं, क्योंकि आप जान जाएंगे तो फिर आप भी मशहूर हो जाएंगे। अच्छा ये मशहूर होने के लिए इन्होंने बड़ों का मशहूर किया? अच्छा हाँ हाँ हाँ, नाम सुना है मैंने, टिकटॉक करें, टिकटॉक मैंने नाम सुना। हाँ। मेरी शक्ल याद है, मीरा जी, जी मीरा, वन एंड ओनली, हर वक्त खबरों में रहने का बेहतरीन इनके पास फार्मूला। ये क्यों लगता है कि इनका कोई दिमागी मसला नहीं है? इनसे समझदार लड़की कोई नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, ये ऐसे ही लोगों को लगता है, ये बहुत अच्छी है, बड़ी समझदार है। ये नहीं एक्टिंग कर रही होती है रियल लाइफ में भी कह सकते हैं, इनका अपना एक स्टाइल है। इनके बारे में क्या कहें, ये तो मेरा सब कुछ है, जिंदगी है मेरी, ये मेरा घर, मेरी जान, मेरा सब कुछ, मेरे बच्चों की माँ, मेरी बीवी, इतनी अच्छी माँ, इतनी अच्छी बीवी। मेरे ऊपर 1.5 साल बड़ा अजीब सा आया था, स्टेज ड्रामे मैंने छोड़ दिए क्योंकि जूम आनी बातें शुरू हो गई थी, घर बैठ गया। फिल्मों में गंदे गाने शूट होने शुरू हुए, 2 गाने मेरे ऊपर ऐसे हुए मुझे आज तक शर्म आती है। मैंने इससे बैठ के कहा, मैंने कहा फिल्म में भी ये काम हो गया, इधर भी हो गया, कहती है छोड़ दो। तो मैंने कहा खाऊंगा क्या, खर्चा कैसे चलेगा, बच्चे स्कूल जा रहे थे। मुझे कहती है अल्लाह रिस्क देने वाला है, आपका दिल नहीं करता ना ऐसा काम, छोड़ दे। मैंने छोड़ दी, फिल्म भी स्टेज भी छोड़ दिया, घर बैठ गया। पता नहीं कैसे अल्लाह ने सिलसिला चलाया, 1.5-2 साल इसने मेरे साथ
ऐसे काटे मैं आपको बता नहीं सकता। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि औरत ही घर चलाती है, अब कोई और होती बेसब्री हो जाती, सब्र ना करती, वो कहती भाई मुझे तो चाहिए जिधर से मर्जी लाओ, नहीं तो मैं तो चलनी है। वाह। उसके बाद अल्लाह ने फिर दोबारा ऐसा हाथ पकड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी बेग में कहाँ से मिलती? ऐसी बेग में मुकद्दर से मिलती है, मुकद्दर लेके आई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और माँ की दुआएं साथ हों तो वैसी बेग में मिल जाती है। ठीक ठीक ठीक। इनको इनका पता है आपको? ये कौन है? इनका नाम, ये टिकटॉकर, इनका नाम भी रैम्बो है। अच्छा, ये जो पिछले दिनों कोई रैम्बो मेरा नाम आया कि yes, किसी लड़की के साथ वो जो वाक्य हुआ था, हा। तो नीचे पट्टी जली, मुझे सऊद ने कहा कि वो भाई तेरा नाम ले रहे हैं उधर। exactly. मैं खुद परेशान हुआ, मैंने कहा जी मेरा इस लड़की से क्या वास्ता। वो लेकिन वो सबको तो पता था, न्यूज वालों को भी, कि रैम्बो कौन है। तो मैं ऐसे तो थोड़ी देर बाद पता लग गया, घंटे डेढ़ में, कि जी कौन है रैम्बो। अच्छा ये तो आजकल बच्चों को मैंने ऑफिस में बताया कि रैम्बो आ रहा है, हर बंदे ने कहा अच्छा ये आयशा वाला रैम्बो। मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो टिकटॉक का रैम्बो है, असली रैम्बो। एक ही रैम्बो अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में दो हैं, अमेरिका में भी एक है, पाकिस्तान में भी है। उसके बाद जितने रैम्बो वो मेरे शागिर्द हैं। इनके बारे में आप क्या कहते हैं? ओए जिंदगी, लव, प्यार, पाकिस्तान की शान, उमर शरीफ भाई, इनके साथ इतना टाइम गुजरा है, इतना टाइम गुजरा है। रब्बे कायनात इनको जन्नत फिरदौस के आला मकामों में से एक मकाम अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। ग्रेट आदमी, दिल के इतने अच्छे, इतना। इस वक्त जितने लोग पिछले 15 साल से कॉमेडी करके पाकिस्तान में जो जिनका किचन चल रहा है ना, वो ड्यूटी उमर साहब, अल्लाह देने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन उमर साहब का उसमें हाथ है। इनकी बातें, इनकी हरकतें, इनके आइटम्स, अब इंडिया में भी कपिल शर्मा शो को आप देख लें, उसमें से 90% बातें जो हैं वो उमर भाई की हैं, उमर भाई के आइटम हैं। और इन्होंने भी कहा था कि वो बहुत अच्छा याद करने वाला है, वो बच्चा बहुत अच्छा याद करने वाला है। वो अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दी है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो भी इनकी इज़्ज़त करता है, वो मानता भी है। 90% बातें उमर भाई की हैं। और यार इनके बारे में एक बात मैं बताऊँ, हम बहुत बड़ी महफिलें हुई हैं घर में, हमारे बड़ी, इनके घर में, हमारे घर में, इनकी ये जो पसंद आया शादी कर ली। लेकिन शादी ना भी करते तो इस जगह पे कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए, अल्लाह बहुत अजर दे इनको इस चीज़ का। तो जब भी जो भी कोई पसंद आया, इन्होंने शादी की और अल एलानिया की। ये शराफत की एक इंतहा होती है, वरना इस मकाम पे आपको कौन पूछ सकता है, क्या बात है। अच्छा ये मुझे बता, इन पे से रैम्बो की कौन सी फिल्म पसंद थी आपको? मैंने रैम्बो 1 देखी थी। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था, मैं कॉलेज में था, कि यार तुम्हारी शक्कर रैम्बो से मिलती है। तो जिस दुकान के बाहर आप आए थे तस्वीर बनवाने, वहीं पे उन्होंने पकड़ के मेरी मूछें काट दी, मेरी मूछें थी, मैं नहीं कटवा रहा था। मैंने कहा यार मैं गाँव जाता हूँ, हवेलियाँ, एबटाबाद, उनमें मजाक उड़ाएंगे लोग, तो मुझे पकड़ा उन्होंने। तो कहते हैं अब देखो शक्ल मिलने लग गई, फिर मैंने मूछें ज़ाहिर फिर ख़त्म कर दी। तो मैंने 1, 2 भी देखी, 3 भी देखी, इनमें से 2-3 तो देखी हैं मैंने। ये आखिरी नहीं देखी दो? नहीं मैंने नहीं देखी, मेरा ख्याल है कि मैंने ये लास्ट वाली 2 नहीं देखी, वो 4 देखी हुई हैं। ठीक ठीक ठीक। इनके बारे में रीमा जैसी हीरोइन ना तो थी, तो ना है, ना आएगी। रीमा जैसी, रीमा से मेरा एक बड़े अलग से एक मोहब्बत और प्यार, पहले दिन से मुझे इन्होंने भाई कहा और आज तक हम बहन भाई हैं। ये मेरी इतनी इज्जत करती हैं और मैं भी इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये मेरी करती हैं। कभी इनसे पूछिएगा कभी हुआ तो मेरी इज्जत क्यों करती हैं, लेकिन मैं इनकी इज्जत करता हूँ। और फिर ये मेरे ऊपर एक वक्त आया कि मैडम ने कुछ शर्तें रखी हैं, बात मैंने पहले भी बताई थी कि घर जल्दी घर बना के दिखाओ फिर रिश्ता दूंगी। तो मैं तो रेंट पे था, तो मैंने दिन रात बहुत काम किया, तो मैंने घर ले लिया। अब कुछ 6 लाख रुपया रहता था उस वक्त, 6 लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट थी, 5-6 हज़ार रुपया तो तोला सोना था। तो एक सेट पे हम काम कर रहे थे, मुझे कहती हैं, मुझे खान साहब कहती हैं, मुझे कहते हैं खान साहब क्या हुआ आज आप सेट पे नहीं हैं, सीन में नहीं हैं, मुझे कमी लग रही है। मैंने कहा देख क्या
आर्टिस्ट है ना पहचान गई कि कोई गड़बड़ है, ये सीन में इन्वॉल्व नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, पूछे जा रही हैं। आधा पौना घंटा फिर मैंने बाद में बताया, जब भी गैप आता था एक शॉट दे के हम बैठ जाते थे। मैंने कहा जी वो 150 रुपया एक वीक रह गया, मुझे 6 लाख देना है, मेरे पास 3 लाख कम है। तो मैंने जितनी फिल्में कर रहा था ना उसमें मैंने कुछ बड़ा नुकसान किया कि मैंने स्क्रिप्ट देखे बगैर भी कुछ फिल्में की, मैंने पैसे एडवांस ले लिए मैंने घर लेने के लिए, जो इनका मुझे बाद में बहुत नुकसान हुआ। कहाँ मैं टाइटल रोल कर रहा था, कहाँ मैं सेकंड पेयर में आ गया, उसमें एक दो फिल्में थर्ड पेयर में भी थी, वो मुझे उसका बड़ा नुकसान हुआ बाद में। लेकिन खैर, तो मुझे कहते ये कोई परेशानी वाली बात है, चलो ईजी हो जाओ शॉर्ट दो। मैंने कहा मेरे लिए परेशानी है ना, मेरे पास अब पैसे कहीं से आ नहीं रहे, ये जितनी शूटिंग मैं दिन में कर रहा हूँ 4-5 सबके मैं पैसे लेके जा चुका हूँ। और कहती यार आप खान साहब आप काम करें, छोड़ें काम करें, ईजी हो जाएं। शॉर्ट वॉट दिया, पैकअप हुए शाम का टाइम, तो मुझे गाड़ी में बुलाया, मैं गाड़ी में गया तो एक लिफाफा मुझे यूँ करके मिला। मैंने कहा ये क्या, कहती ये 3 लाख है। मैंने कहा रीमा मैं देने की पोजीशन में नहीं हूँ, कि मुझे नहीं पता कि ये मैं 1 महीने में दूँगा, 15 दिन में दूँगा, 3 महीनों में दूँगा, मुझे कुछ पता नहीं। कहती हैं पहले तो इस चीज़ को भूल जाओ कि तुमने कब देने हैं या देने भी हैं। मैंने कहा नहीं मैंने देने हैं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे कब देने हैं। तो ये ग्रेटनेस है, 3 लाख रुपया उस वक्त बड़ी अमाउंट थी, 6,000 रुपये का तोला सोना साफ लगाएं तो कितने तोले आज के पैसे लगा लें, 3 लाख रुपया मुझे दिया और एक दफ़ा भी नहीं मांगा। और मैंने जब मुझे किसी फिल्म के आते थे 25,000, 50,000, 1,00,000 तो मैं कर करके मैंने 2-3 महीनों में इनको पैसे मैंने दे दिए थे। उसके बाद एक वक्त और आया बीच में जब मैंने कहा मेरी बेगम ने कहा काम छोड़ दो, इनको पता था ये काम नहीं कर रहा और इनको ये पता था कि मैं क्यों नहीं कर रहा। उस वक्त भी इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, बड़ा ज़बरदस्त, मैं भूल नहीं सकता। ग्रेट है जी, अल्लाह इसे ज़िंदगी दे, अपने फैमिली में खुश रखे। अल्लाह ने देखिए हमारी जितनी उस वक्त की थी उनमें से इसको बड़ी इज्जत दी है। इस वक्त एक मुकाम पे हैं, बड़े नामवर डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी और बड़ा अच्छा घर बसा हुआ है, बड़ा माशाल्लाह। अल्लाह इसी तरह शादोआबाद रखे। ज़िंदगी जानू मेरी, मेरी ज़िंदगी है, बहुत प्यार है इनके बारे में। अपने काम के मास्टर, इनके बारे में लोग बड़ी बातें करते हैं, क्यों करते हैं, बदतमीज़ हैं, फलाना है फलाना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जैसे भी हैं, मैं मुझे नहीं पता, मेरी 2-3 मुलाकातें हुई हैं, बड़ी ज़बरदस्त मुलाकातें, बड़े इज्जत एहतराम से मुझे मेरी बीवी के साथ मिले, हम इकट्ठे थे, अपनी बेटी के साथ मिलवाया, बड़ी अच्छी तरह बैठे, गपशप हुई, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन होता है कुछ लोगों में कोई किसी की वजह से किसी को डांट पड़ती हो, लेकिन इनके साथ जो लग गया वो तर गया। इन्होंने आज इतने लोगों के घर सीधे किए हुए हैं, उनके अपने घर बन गए हैं, उनके पास लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां हैं और अपनी हैं माशाल्लाह। और देने वाला अल्लाह की ज़ात है, वसीला जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब हैं। तो जिसका जितना टैलेंट होता है, जिसका जितना हाथ होता है किसी को, तो ये बहुत सारे लोगों के उस्ताद हैं, जैसे उमर शरीफ साहब हैं और ये भी उस्ताद हैं। इन्होंने एक अपना एक नया ट्रेंड दिया है और अब इस वक्त हर चैनल पे वो उस तरह का शो हो रहा है, लेकिन करने वाले यही हैं। मगर काफ़ी लोग जो नए छोड़ते हैं वो यही कहते हैं कि यार हमने इसलिए छोड़ा कि यार हमारे साथ ना सलूक अच्छा नहीं करते। यार आपको उस्ताद डांट नहीं सकता, डांट सकते हैं, इसमें क्या बात है, उस्ताद ने आपको पहुँचा भी तो कहाँ दिया है। काफ़ी लोग इनको छोड़ के आपके साथ भी काम करना शुरू हो गए थे। नहीं, मेरे साथ तो पहले भी कर रहे थे, मेरे साथ वो उनसे पहले था। मेरा न्यूज़ चैनल नहीं है, मेरा वो ये न्यूज़ चैनल का और शो है, एंटरटेनमेंट चैनल का और शो है, मेरा इस तरह का शो नहीं होता था। इनके पास बड़ा नॉलेज है, पढ़े लिखे आदमी है, मैं तो ग्रेजुएशन बड़ी मुश्किल से की है, इंग्लिश में 2 दफ़ा फेल हुआ हूँ। तो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे, इनके पास नॉलेज बहुत है, किसी भी मौजू पर बात कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपने इतनी फिल्में की, कभी आपको इंडियन फिल्में नहीं ऑफ़र हुई? आजकल इंडियन पंजाबी फिल्मों में काफ़ी एक्टर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान। मुझे पहले भी कभी ऑफ़र नहीं हुई, पहले हर एक्टर कहता था जी हमें इंडिया से ऑफ़र हुई है, मुझे अभी भी कोई ऑफ़र नहीं हुई। 1-2 डायरेक्टर से टेलीफोन पर बात हुई है, लेकिन फिल्म की बात नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा आपने ना, मैंने सुना जिम भी बनाया हुआ है आपने, तो मुझे बताएं आप जिम खुद
जाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं कभी नहीं गया जिम। जय रैम्बो वाला नाम तो आपका है, मगर रैम्बो वाली बॉडी क्यों नहीं बनाई आपने? मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब इस वक्त दिल ही नहीं करता। घंटा नहीं निकाल लिया करें, हो सकता है बॉडी बनी जाए। नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है मेरी गर्दन देखें और मेरी कलाई देखें, तो वो कहते हैं जी जो कोई 3 महीने में कर सकता है ना, वो आप 20 दिनों में कर सकते हैं। आपकी स्किन पतली है, और जो बॉडी बिल्डर्स थे उन्होंने मुझे बताया था, और मेरी जो मेरे जो हड पैड है ना, जैसे पंजाबी में हड पैड कहते हैं, हड मेरे दादाजी पे हैं। मेरे दादाजी पहलवान थे, बाकायदा रेसलर थे वो। मुझे पता खोते में स्पेशल चीज़ क्या होती है, बहुत जितना मर्जी डालो उसे पता ही नहीं चलता। हाँ ठीक है, वो उसे नहीं पता होता इस चीज़ का। ठीक है ठीक है। तो आप जब जितना काम करते होते थे आपको नहीं लगता मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता था? मैंने 20-20 घंटे काम किए तो आपको अपने आप को खोता नहीं महसूस होता था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपने खोता किंग किया तब भी नहीं महसूस हुआ आपको खोता किंग? नहीं, डोंकी किंग। वही डोंकी किंग, डोंकी राजा। डोंकी राजा, हाँ हाँ। तो आपको महसूस नहीं आप खोता खोता? नहीं, मैंने तो एक दिन में डबिंग कर दी थी उसकी। एक दिन में डबिंग? एक दिन में। अजीज जिंदानी साहब ने मुझसे 7 दिन लिए, कमरा वमरा बुक किया, फलां किया, ये किया होटल में। तो पहले दिन उन्होंने 2-3 घंटे मुझसे काम लिया। मैंने कहा सुबह आप मेरे कहने से अगर करें और ना, फिर आप जैसे कहेंगे मैं करूँगा, क्योंकि डबिंग तो हम सारी फिल्मों में अब डबिंग करते थे। 10-11 बजे हम स्टूडियो आए, और इशा की अजान से पहले, मगरब की अजान मुझे याद है नमाज पढ़ी थी, इशा की अजान से पहले मैंने डोंकी किंग के सारे सीन कर दिए थे। तो मुझे मतलब बाकी दिन फिर होटल के कमरे में क्या किया आपने? तो नहीं, वो उनका खर्चा बचाया है, अगले दिन वापस आ गया। मैंने कहा ये भी बच गया आपका, ये भी। और मेरी एक आदत ये है, मैं जब काम कोई मुझे मिल जाए मैं कहता हूँ इसको ख़त्म करो, अगला करो। अब मैं एक स्क्रिप्ट, अभी एक सफ़ा बोल दिया ना, तो अब मुझे कहते थे बैठे, मैं कहता था बैठना नहीं है, अगला मुझे बताएं लाएं। उसको 2 दफ़ा पढ़ा, रिहर्सल की, मैंने कहा जी टेक करें। आपने इतने पैसे इनके बचा लिए, अभी फिल्म 5 करोड़ रुपये पड़ी है, अगर ये खर्चा हो जाता ये तो 6-7 करोड़। ले 7 करोड़, मैं मतलब क्या सोने के बिस्तर पे सोना था मैंने। मैं क्या वो उधर चला गया था दुबई वाला, कौन सा सोने वाला होटल, सोने के नलके लगे हैं जहाँ। सोने के बिस्तर पे नहीं बंदा सोएगा तो कहाँ सोएगा? नहीं, सोना गोल्ड के बिस्तर। गोल्ड की बात है, इतनी बात नहीं है। 20,000 का कमरा है। अच्छा अच्छा, 6 करोड़ की हो जाती। करोड़ों नहीं बचे उसके? नहीं नहीं, बच्चे हैं उनके। चले जो भी बच्चे उन्होंने कमाए तो। लेकिन अजीज भाई ने मुझे कहा यार आप क्या चीज़ हो यार, क्या भाई आप क्या बंदे है ना। हाँ, इसलिए उन्होंने पार्ट 2 नहीं बनाया। अभी भी हमारा ये है, हमें असल में शेख साहब ये था कि हम करते थे नेगेटिव पे काम, तो हमें एक तो ये होता था कि हमें इजाज़त नहीं थी कि रिटेक करनी है। मैक्सिमम 2 रिटेक्स की इजाज़त होती थी, उसके बाद वो जो शॉट बना होता था उसको कट करके ना क्लोज में या कैमरा एंगल चेंज करके ले लेते थे, क्योंकि नेगेटिव बचाना होता था, नेगेटिव महंगा था। एक तो हमें वो आदत थी कि एक शॉट याद करना है तो उसको पूरा बोलना है, अगर उसमें से फंबल होना है भूलना है तो उसको फिक्रे को आगे पीछे करके मकसद पूरा बयान कर देना है। ठीक है, तो हमें काम जल्दी करने की, काम ख़त्म करके आगे जाने की, अगला काम करने की आदत थी जो अभी तक है। लेकिन अभी जब मैं देखता हूँ ना, तो ये जो डिजिटल कैमराज आ गए हैं, 200 रिटेक्स करो, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। फिर वो रिटेक्स में ही लगे रहते हैं, एक सीन में इतना टाइम लग जाता है दूसरा सीन होने में। हम लोग तो सीन करो आगे चलो, अगला सीन करो आगे चलो। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। चले चले ऐसा करते हैं, एंड करते हैं एंड पे, प्लीज़ कुछ मैसेज अच्छा सा लोगों को दे दें, ठीक है? और फिर उसके बाद ना पिक्चर्स आपके साथ मैंने, बच्चों ने और भाई ने। मैसेज मैं क्या दूँ जी, मैसेज बस यही है कि अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करें, जब वो होते हैं तो एहसास नहीं होता, आप टाइम नहीं दे पाते, और जब चले जाते हैं तो फिर एहसास होता है कि यार वो जो 2 घंटे मैं उधर बैठा था वो अपने कमरे में थे, मैं वहाँ पे ये कर रहा था, तो उसमें से 1 घंटा या 1/2 घंटा मैं उनके पास क्यों नहीं बैठा। तो बाद में बड़ी यादें आती हैं। जितना हो सके अपने वालदैन को टाइम दें और उनसे बहुत प्यार करें। और अब की जनरेशन बड़ी अच्छी है शेख साहब, जो अपने बाप से फ्री हैं। हम लोग तो अपने बाप से बात नहीं कर सकते थे, और कभी अपने बाप को ये नहीं कहा था कि अब्बा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या आई लव यू।
तो वो टाइम और था, तो वो दिल में ही बातें रह गई हैं। तो कभी कभी अपने बाप जो है ना वो बड़ा थका हुआ होता है, बहुत काम करता है, बाप ही पालता है, तो बाप को कभी कभी गले लगा के कान में कह दिया करो अब्बा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो बाप जवान हो जाएगा। माँ से तो आप कहते ही रहते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, मज़ा आया। हाँ। कोई बात मेरी जुगत बुरी लगी हो तो लगती रहे, मैं क्या करूं, मेरा काम है। हाँ, आप क्या समझ रहे थे मैं माफ़ी मांगने नहीं, 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 ना, ना, नहीं, ना, ना, नहीं, ये मेरा काम है। हाँ। बुरी लगे तो मैं क्या करूं भाई। ठीक 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 यार, बड़ा अच्छा शो करते हैं आप, अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे, बरकत डाले, और आपका ये आपका ये जो चैनल है इसको अल्लाह तरक्की दे, और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी टीम अच्छी है, आपके ये जो सेटअप है मैंने देखा है, हालांकि मेरा भी चैनल है लेकिन मैंने इतना सेटअप नहीं बनाया हुआ, मैं तो ऐवें आवाम ही बस ऐवें कभी कभी वीडियो लगा देता हूँ। MYK न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ ना माई ना एम एस मंगू मंगू जान मंगू, नहीं करेंगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। हाँ ना।